नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। कौन बनेगा विधायक सेगमेंट में आज हम बात करेंगे झाझा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की। यह जमुई जिले में स्थित है, यह जमुई संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। झाझा विधानसभा सीट को जदयू का गढ़ माना जाता है। आइए बात करते हैं झाझा विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक इतिहास के बारे में। झाझा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक भाजपा से रविंद्र यादव विधायक चुने गए। रविंद्र यादव भाजपा से रहे थे, उन्होंने इस चुनाव में 65,537 वोट प्राप्त किया था। वहीं उनके निकटतम उम्मीदवार की बात करें तो जदयू से दामोदर राउत रहे थे, उन्हें कुल 43,451 वोट हासिल हुआ था। दोनों उम्मीदवारों के बीच 22,086 वोट का फासला रहा था। साल 2010 के चुनावी नतीजों की तरफ मुड़े तो इस साल यहाँ जदयू के दामोदर राउत ही विधायक चुने गए थे। 48,080 वोट हासिल कर वे विधायक चुने गए थे। वहीं उनके विपक्ष उम्मीदवार राजद के विनोद प्रसाद यादव 37,876 वोट प्राप्त किया था। दोनों उम्मीदवारों के बीच कुल 10,204 वोट का अंतर था। अब हम वर्ष 2005 की बात करते हैं। इस साल यहां पर जदयू का ही कब्जा रहा था, जदयू से दामोदर राउत विधायक चुने गए थे। वर्ष 2000 की बात करते हैं, चुनावी साल 2000 के चुनाव परिणाम को देखा जाए तो इस वर्ष समता पार्टी का प्रतिनिधित्व रहा था और इसके टिकट से दामोदर राउत का ही वर्चस्व था। वर्ष 1995 की बात करते हैं, वहीं साल 1995 के चुनावी परिणामों की ओर चलें तो कांग्रेस से रविंद्र यादव विधायक हुए थे। साल 1990 के चुनाव को देखा जाए तो इस साल यहां जनता दल का कब्जा रहा था, जनता दल के सदस्य होते हुए शिवनंदन झा विधायक चुने गए। क्षेत्र के विकास कार्यों की तरफ चले तो कुछ सड़कों का निर्माण किया गया, विद्यालय और सड़कों का निर्माण हुआ, बिजली और पानी की व्यवस्था कराई गई, पुल पुलिया के अलावा ट्रांसफार्मर की भी व्यवस्था की गई। क्षेत्र में चुनावी मुद्दों को देखा जाए तो इस साल किसानों की समस्या गंभीर है, जिसे लेकर किसान वर्ग में असंतुष्टि है। उद्योग धंधे भी कुछ विकास कार्य नहीं देखे गए, शहर में स्टेडियम और पार्क का भी अभाव है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो इस बार झाझा विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक रविंद्र यादव लोजपा में चले गए हैं और लोजपा ने रविंद्र यादव को ही इस सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया है। वहीं एनडीए की तरफ से जदयू प्रत्याशी दामोदर रावत मैदान में है। राजद के तरफ से राजेंद्र प्रसाद ने पर्चा भरा है। पिछली बार भाजपा के रविंद्र यादव ने जदयू के दामोदर रावत को मात दी थी, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। इस बार रविंद्र यादव लोजपा प्रत्याशी है और यही कारण है कि यहां की लड़ाई दिलचस्प हो गई है।